हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 26 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 MCQs को। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पूरी दुनिया में हर साल कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, इनमें से ऑप्शन बी 2 दिसंबर को, जहां पर फ्रेंड्स वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे को सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था कब, 2001 में 2 दिसंबर को। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है, डैश इज ऑफन कॉल्ड इंटरनेट लैंग्वेज, यानी कि डैश को अक्सर इंटरनेट भाषा कहा जाता है। इनमें से वो है ऑप्शन डी जावा, जिसे जो है अक्सर इंटरनेट भाषा कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश आर रूल्स टू फॉलो वाइल कम्युनिकेटिंग ओवर द इंटरनेट, यानी कि डैश इंटरनेट पर संचार करते समय पालन करने वाले नियम हैं। इनमें से वो रूल्स हैं ऑप्शन डी नेटिकेट्स। नेटिकेट्स आर रूल्स टू फॉलो वाइल कम्युनिकेटिंग ओवर द इंटरनेट, यानी कि नेटिकेट्स इंटरनेट पर संचार करते समय पालन करने वाले नियम हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ मार्कअप लैंग्वेजेस, यानी कि मार्कअप भाषाओं का जनक किसे कहा जाता है। इनमें से मार्कअप लैंग्वेजेस का फादर कंसीडर किया जाता है, जनक माना जाता है मार्कअप भाषाओं का, ऑप्शन बी चार्ल्स गॉडफाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडर्न एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन शॉर्ट ICT, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आधुनिक उदाहरण है। इनमें से वो मॉडर्न एग्जांपल है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, इन शॉर्ट ICT का, ऑप्शन डी कॉल सेंटर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में फ्रेंड्स आपको बताना है, इन ईमेल IMAP स्टैंड्स फॉर, ईमेल में IMAP का फुल फॉर्म है ऑप्शन डी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब द बिलियंस ऑफ फिजिकल डिवाइसेस अराउंड द वर्ल्ड दैट आर नाउ कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑल कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डाटा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली दुनिया भर में अरबों भौतिक उपकरणों का वर्णन करती है जो अब इंटरनेट से जुड़े हैं, सभी डाटा एकत्र और साझा कर रहे हैं। इनमें से वो टर्मिनोलॉजी है, वो टर्म है ऑप्शन डी IoT, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो डिस्क्राइब करती है बिलियंस ऑफ फिजिकल डिवाइसेस को अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, जो कनेक्टेड हैं अब इंटरनेट से और कलेक्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं डाटा को। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट में आपको बताना है, विच वन इज नॉट काइंड ऑफ प्रिंटर, यानी कि इनमें से कौन सा प्रकार प्रिंटर का नहीं है। इनमें से काइंड नहीं है प्रिंटर का, ऑप्शन बी डी रोल। इसके अलावा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इंकजेट, ऑप्शन सी डेजी व्हील, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स, ये सभी प्रकार हैं, काइंड हैं किसके, प्रिंटर के। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में आपको बताना है, इन विच जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स एंड मैग्नेटिक कोर्स वर इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में
ट्रांजिस्टर और चुंबकीय कोर की शुरुआत हुई। इनमें से वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था ट्रांजिस्टर्स को और मैग्नेटिक कोर्स को। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको बताना है, अ कॉमन प्लेस एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशंस इज अ टेलीफोन कॉल वेयर बोथ पार्टीज कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। यानी कि डैश संचार का एक सामान्य उदाहरण एक टेलीफोन कॉल है, जहाँ दोनों पक्ष एक ही समय में संवाद कर सकते हैं। इनमें से ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, एक टेलीफोन कॉल है जहां पर दोनों पार्टीज कम्युनिकेट कर सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं सेम टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, वॉइस मेल ईमेल ऑनलाइन सर्विसेज इंटरनेट ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स एंड वर्ल्ड वाइड वेब इन शॉर्ट WWW आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश। ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं, इनमें से ऑप्शन सी टेली कम्यूटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th, कंप्यूटर सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी डे ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। कंप्यूटर सिक्योरिटी डे को सेलिब्रेट किया जाता है ऑप्शन डी 30 नवंबर को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मार्क करना है करेक्ट कोड, जहां पर नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है, विक्रमशिला इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग है रेडियो ज्ञानवाणी इज द इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन। और स्टेटमेंट थर्ड के अकॉर्डिंग डॉक्टर DS कोठारी यानी कि दौलत सिंह कोठारी वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द UGC फ्रॉम 1953 टू 1955। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी नन, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग था कि विक्रमशिला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि विक्रमशिला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। इसके अलावा नालंदा और तक्षशिला जो है ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट थी रेडियो ज्ञानवाणी इज द इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि रेडियो ज्ञानवाणी इंडिया का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन नहीं है। तो इंडिया का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन कौन सा है, रेडियो उमंग, ये इंडिया का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट थी स्टेटमेंट थर्ड के अकॉर्डिंग डॉक्टर DS कोठारी वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द UGC फ्रॉम 1953 टू 1955, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि डॉक्टर DS कोठारी फर्स्ट चेयरपर्सन नहीं है UGC के 1953 से लेकर 1955 तक। तो वो कौन है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ये फर्स्ट चेयरपर्सन है UGC के 1953 टू 1955 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज इज नॉट प्रोवाइड स्वयंप्रभा कंटेंट, यानी कि इनमें से कौन स्वयंप्रभा सामग्री प्रदान नहीं करता है। इनमें से वो है ऑप्शन सी AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता है स्वयंप्रभा का कंटेंट। इसके अलावा ऑप्शन ए NPTEL, ऑप्शन बी UGC और ऑप्शन डी इग्नू, ये तीनों प्रोवाइड करते हैं स्वयंप्रभा का कंटेंट। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्वयंप्रभा का कंटेंट किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, सबसे पहले NPTEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग द्वारा, IITs द्वारा, UGC, CEC यानी कि कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, इग्नू द्वारा, NCERT द्वारा और NIOS द्वारा यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा प्रोवाइड किया जाता है स्वयंप्रभा का कंटेंट। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है, हु मेंटेन्स द वेब पोर्टल ऑफ स्वयंप्रभा, यानी कि स्वयंप्रभा के वेब पोर्टल का रखरखाव कौन करता है।
इनमें से मेंटेन किया जाता है वेब पोर्टल स्वयंप्रभा का ऑप्शन डी इन फ्लिप नेट सेंटर द्वारा। जहाँ पर फ्रेंड्स इन फ्लिप नेट सेंटर का फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, यानी कि ये एक इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर है। जहाँ पर फ्रेंड्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है और फैसिलिटेट्स, यानी कि प्रमोट करता है और सुविधा प्रदान करता है लाइब्रेरीज को और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को इंडिया की आगे की एजुकेशन के लिए। और फ्रेंड्स ये कहाँ पर लोकेटेड है, गुजरात के गांधीनगर में, यानी कि इन फ्लिप नेट सेंटर कहाँ पर है, गुजरात के गांधीनगर में। देन इसके बाद फ्रेंड्स इन फ्लिप नेट सेंटर को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये सेंटर की शुरुआत हुई मार्च 1991 में, एज अ प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत हुई थी। किसके अंडर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के अंडर जो है इसकी शुरुआत हुई एज अ प्रोजेक्ट मार्च 1991 में। देन इसके बाद ये जो सेंटर है इन फ्लिप नेट सेंटर, ये इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गया, एक स्वतंत्र इकाई बन गया, कब, जून 1996 में, जो रिपोर्ट करता है किसे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को, जो अंडर है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। देन इसके बाद इन फ्लिप नेट जो है रन करता है नेशन वाइड हाई स्पीड डाटा नेटवर्क, जहां पर ये कनेक्ट करता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ को और जो अदर इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं उनको कनेक्ट करता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है स्वयंप्रभा क्या है, ग्रुप है 34 DTH, यानी कि DTH स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट टू होम चैनल्स का, यानी कि स्वयंप्रभा ग्रुप है किसका, 34 DTH चैनल्स का, जो समर्पित हैं किसके लिए, टेलीकास्ट करने के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स 24/7, किसका यूज़ करके, GSAT-15 सेटेलाइट का यूज़ करके प्रोवाइड करते हैं 24/7 हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम, कौन, स्वयंप्रभा। इसके अलावा फ्रेंड्स पहले जो है स्वयंप्रभा के 32 DTH चैनल्स थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16-, पब्लिशेज अ क्वार्टरली न्यूज़लेटर एंड एनुअल रिपोर्ट्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अकेडमिक कम्युनिटी अक्रॉस द कंट्री, यानी कि डैश एक त्रैमासिक समाचार पत्र और वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो पूरे देश में शैक्षणिक समुदाय को वितरित किया जाता है। इनमें से वो है ऑप्शन डी, इन फिल्म नेट सेंटर पब्लिश करता है क्वार्टरली न्यूज़लेटर और एनुअल रिपोर्ट्स जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है किन्हें, अकेडमिक कम्युनिटी को, पूरी कंट्री में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में, आपको मार्क करना है करेक्ट कोड, जहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय द चरक, और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस नालंदा फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गोपाल, यानी कि इतिहासकारों के अनुसार गोपाल के शासनकाल में नालंदा का विकास हुआ। फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी, कोड डी के अकॉर्डिंग नन, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 थी, अष्टाध्यायी को लिखा गया है चरक द्वारा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय द पर्णी, तो चरक के प्लेस पर आना था पर्णी। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस नालंदा फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गोपाल, यानी कि इतिहासकारों के अनुसार गोपाल के शासनकाल में नालंदा का विकास हुआ, तो नालंदा का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो थे कुमारगुप्त, तो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, गोपाल के प्लेस पर आना था कुमारगुप्त। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आर चीफ सोर्सेज फॉर नालंदा आर द राइटिंग्स ऑफ डैश, यानी कि नालंदा के लिए हमारे मुख्य स्रोत डैश के लेखन हैं। नालंदा के लिए हमारे जो मुख्य सोर्स हैं वो किसके लेखन हैं, राइटिंग्स हैं, इनमें से ऑप्शन सी ज़ुआनज़ांग और वाइजिंग की, इन दोनों ने जो है नालंदा में विजिट किया था, तो उनके राइटिंग्स जो हैं वो हमारे मुख्य सोर्सेज हैं नालंदा के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में, आपको बताना है इंस्पायर्ड बाय द ट्रेवल्स ऑफ फेक्सियन एंड ज़ुआनज़ांग हु लिव्ड इन नालंदा फॉर 14 ईयर्स ऑफ विच ही स्पेंट 10 ईयर्स इन द नालंदा मोनेस्ट्री, यानी कि फेक्सियन और ज़ुआनज़ांग की यात्रा से प्रेरित होकर
कौन 14 वर्षों तक नालंदा में रहे, जिसमें से 10 वर्ष उन्होंने नालंदा महाविहार में बिताए। इनमें से वो हैं ऑप्शन डी वाइजिंग, जिन्हें जो है आई टी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इंस्पायर होकर किसके ट्रैवल से, फेक्सियन और ज्वानजेंग के ट्रैवल से इंस्पायर होकर नालंदा में 14 इयर्स रहे, और जिसमें से इन्होंने 10 साल जो है नालंदा मोनेस्ट्री में बिताए। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है, मार्क करना है जहाँ पर करेक्ट कोड। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नालंदा वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू हैव रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग विक्रमशिला वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज विद मोर देन 100 टीचर्स एंड अबाउट 1000 स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जहां पर फ्रेंड्स स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि नालंदा वर्ल्ड की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे दोनों के लिए, किन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। और सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग विक्रमशिला वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी, जहाँ पर मोर देन जो है 1000 से ज़्यादा टीचर्स थे और लगभग जो है 1000 स्टूडेंट्स थे, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 20 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।